हेलो एवरीवन, बहुत तहे दिल से स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज मैं आपको घुमाने लेकर आई हूँ टावर ब्रिज। टावर ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा तो ज़रूर होगा। तो नमस्ते लंदन एक मूवी आई थी, झूठा ही सही, इस तरह की कई मूवीज़ आई हैं जिनमें आपने टावर ब्रिज को ज़रूर देखा होगा। तो आज की जर्नी, आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ लंदन में टावर ब्रिज। तो मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ आप ये देखो, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ब्लॉग। बहुत फिर से दिल से आपका स्वागत है। चलो फिर, तो जी इंस्ट्रक्शन देते हुए सामने वाले को, और अब मैंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है। जर्नी का मतलब ये है कि मैं कभी भी अपनी कार सेंट्रल लंदन नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि सेंट्रल लंदन में जो पार्किंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्यूब बेस्ट है। तो मैंने अपने ट्यूब का आनंद उठाते हुए, मैंने, क्योंकि अलग अलग यू नो कल्चर के लोग मिलते हैं, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इन ट्यूब्स की जर्नी को। अब आप देखो कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितना क्राउड है। कुछ दिन पहले ये जो मेट्रो स्टेशन थे बिल्कुल खाली थे, बिल्कुल सुनसान थे, लेकिन अब इनमें रौनक वापस आ गई है। खैर, मैं अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए टावर ब्रिज की तरफ। तो लंदन ब्रिज स्टेशन पे मैं बाहर निकली, और मैंने मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो शार्ड है, लेकिन मैंने राइट हैंड चूज़ किया क्योंकि मुझे टावर ब्रिज की तरफ जाना था। तो टावर ब्रिज से जुड़े कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तब तक आप मेरे साथ, अब देखो मुझे पता है कि मुझे आगे से सड़क क्रॉस करनी है, लेकिन वो मेरी आदत है, अभी तक गई नहीं है कि बीच में से बस भाग के निकल जाओ और क्रॉस कर जाओ स्ट्रीट को। आप ऐसा मत करना, यहाँ पे हर जगह रूल्स हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये है शार्ड। शार्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस बिल्डिंग है, जहाँ पे मैंने कहा ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड से टूरिस्ट जिनको देखने आते हैं उनमें से शार्ड भी एक है। लेकिन हुआ ये कि मैं कुछ अपने इस चैनल को ओपन करने से पहले, थोड़े टाइम पहले ही शार्ट में गई थी, और मैंने उसके कुछ वीडियोस क्लिप्स हैं, पता नहीं वो मैं, लेकिन मैं इसका प्रॉपर शार्ट का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आने वाले टाइम में। तो मैंने सोचा है कि वो क्लिप्स ना डाल के मैं आपको प्रॉपर इसका एक वीडियो दिखाऊं, और आपको दिखाऊं कि शार्ट के ऊपर से वो जगह कितनी, लंदन कितना खूबसूरत लगता है, पूरे एक लंदन का व्यू ले लेते हो। तो खैर, अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो है एक हेज गैलरी। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गैलरी है। यहाँ के दोनों तरफ कैफे हैं, लोग यहाँ पे बैठ के, जब मैं यहाँ पे आई ना मुझे लगा कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आई हूँ। यहाँ पे भी मुझे मिक्स फीलिंग आई, जितना मैं यहाँ पे एक एडवांस कहते ना कल्चर को फील कर रही थी, साथ के साथ ही मुझे पता नहीं कुछ एक ट्रेडिशनल फीलिंग भी आ रही थी। अब मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो है एक विशिंग वेल, जहाँ पे जिसे कहते ना विश पॉन्ड। तो विश पॉन्ड में होता यह है कि आप लोग आते हैं यहाँ पे, कॉइन डालते हैं और अपनी एक विश मांगते हैं। तो मैंने एक विश, दो विश मांगी, पहले कोरोना वायरस से हम सबको मुक्ति मिले, और दूसरे जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस खूबसूरत गैलरी के बिल्कुल सामने है टावर ब्रिज। जैसे मैं निकलूंगी आप देखना इसकी ब्यूटी कितनी प्यारी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और आपके नोटिस में डालती हूँ, आप ध्यान से देखो, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो एक स्कॉटिश कपल, ये देखो आप, ये यहाँ कहते हैं ना कि स्कॉटलैंड की एक कल्चरल ड्रेस है, जैसे ये फ्रॉक पहनते हैं, तो वो शायद एक कपल था जो अपनी पिक्चर ले रहा था। तो लेकिन अब ये सामने, ये इस म्यूज़ियम से निकलते ही इतना ब्यूटीफुल व्यू आता है थेम्स का, ये बिल्कुल थेम्स बह रही है मेरी आंखों के सामने। और ये इतने अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसको, जो इन कहते हैं ना कि इंग्लैंड की ब्यूटी को और इस जगह को इन्हांस करते हैं। तो थेम्स पे बहुत सारे कहते हैं ना कि शिप्स चलते हैं, क्रूज चलते हैं, बहुत ही इसमें अलग अलग कहते हैं ना कि नज़ारा आपको मिलता है। एक बार मेरा दिल फिर गया कि मैं पलट के इस म्यूज़ियम को दोबारा फिर से देखूं, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा फील हुआ। और मैंने इस सेम स्कॉटिश कपल खड़ा है देखो बीच में, लोग उसकी पिक्चर ले रहे हैं। ये इंडियन ब्राइड है इसकी, और ये स्कॉटलैंड से कोई स्कॉटलैंड से है ये बंदा। तो मैं अपने कदम आगे फिर से बढ़ाते हुए टावर ब्रिज की तरफ। Thank you.
खूबसूरत जगह है ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है। यहाँ पे खड़े होके मतलब थेम्स को देखना, टावर ब्रिज को देखना, इसकी ब्यूटी ही अलग है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे शिप खड़े होते हैं। आप अगर आप यहाँ रात में या इवनिंग में आओ ना, तो आप यहाँ की लाइट्स देखोगे ना, आपको लगेगा यार आप किसी और ही वर्ल्ड में हो। यह टावर ब्रिज रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आपको एक बात बताती हूँ इस टावर ब्रिज के बारे में, कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में इस टावर ब्रिज को ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये बीच में से पता है ब्रेक हो जाता है। जब यहाँ पे बड़े बड़े शिप आते हैं ना, तो ये बीच में से ओपन हो जाता है, और वो देखने के लिए, वो देखना भी अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। अब ये जो सामने आप कैसल देख रहे हो ना, ये कैसल बहुत ही प्यारा है, जिसे कहते हैं टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ ब्रिज एंड टावर ऑफ लंदन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इतना ब्यूटीफुल सनी डे है आज, इतना लोग आए हुए हैं, इतने बच्चे हैं यहाँ, छोटे छोटे फाउंटेन चल रहे हैं, बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो जी घूमते घूमते मेरे जज्बात जागे हैं कि मुझे स्टारबक्स पे जाना है, और वहाँ की जो कॉफ़ी है वो मुझे आवाज़ें मार रही है। मैंने सोचा कि थोड़ी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए किसी ने मुझे कहा कि भैया शेड्स लगा लिए, तो चलो दिखाते हैं स्टारबक्स। ये हमारे इंडियन भाई लोग हैं, लुक, वो मुझे पलट के देख रहे हैं। तो आप देखो पार्कों में सभी लोग अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे मैं भी हूँ घूमते हुए। और एक्चुअली आपको पता है मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, मुझे यहाँ पे स्टारबक्स चाहिए। मुझे जब एकदम सनी हो ना, तो मुझे होता है कि मैं कोई फ्रैपचिनो कुछ लूँ स्टारबक्स से, तो मैं एक्चुअली उसी को ही ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। पर आप इस क्राउड को देखो, इतने टाइम बाद इतनी रौनक लगी है ना लंदन में, तो बहुत ही देख के, इतने सारे लोगों को एक साथ देख के जो खुशी आई है ना, क्योंकि यार कोई पहले दिख ही नहीं रहा था, अलाउड ही नहीं था। अब इतने लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई मिरेकल तो नहीं हो गया है कि मैं यार इतने लोगों को एक साथ देख रही हूँ इतने टाइम के बाद। पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है अपने आप। तो जी स्टारबक्स की मैंने फ्रैपचिनो लिया है स्टारबक्स का, और साथ में यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल रहे थे, और मैं आपको दिखाती हूँ पीनट और आलमंड। एक आदमी की लाइफ में ना उसकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पिकनिक पे मैं काफ़ी लोगों को अपने पीछे देख रही हूँ, कि अगर आप देख पाओ कितने सारे लोग बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने किड्स के साथ, अपने बिलव के साथ, अलग अलग तरह के। तो मैं आज आपसे अपने दिल की एक बात शेयर करती हूँ, कि मैं इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी जो फैमिली है, चाहे वो यहाँ है चाहे वो इंडिया में है, इतने हेल्पफुल हैं। अभी पिछले ही वीक मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे इंडिया जाना पड़ता, पर फॉर्चुनेटली फैमिली कहते ना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है किसी के भी लिए। तो इतना क्यूट डॉग आया मेरे पास और निकल गया। खैर, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों, मतलब अपनी फैमिली का, कि जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मेरा भाई है, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं इंडिया में, वो इतने सपोर्टिव हैं कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी उन लोगों की गाइडेंस की वजह से यहाँ पे बैठे बैठे वो काम हो गया। तो जब मैं यहाँ होती हूँ, और जब मैं पता है यूके आई थी ना, तो मैं जब लंदन ब्रिज या किसी भी जगह घूमने जाती हूँ, तो मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ, अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, अपने भाई को बहुत मिस करती हूँ। मेरा दिल करता है कि जो मैं देख रही हूँ वो भी मेरे साथ देखें, जो खुशियाँ मुझे मिल रही है वो भी इस खुशियों में आएँ। मेरी मम्मा आए थे यहाँ से 2 साल पहले, वो यहाँ रहे थे 3-4 मंथ्स, पर वो मेरे लिए पूरा नहीं होता, क्योंकि मेरी मम्मा भी एक वर्किंग वुमेन है, उनके पास भी टाइम नहीं होता। पर मेरा दिल करता है कि मेरी माँ भी मेरे पास आए, मेरा भाई मेरे पास आके रुके, ऊपर से ये कोविड की प्रॉब्लम, इतना टाइम हो गया उन लोगों से मिले। तो एक फैमिली, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मेरा पूरा परिवार यहाँ होता, मेरे मम्मी भाई, मेरी ये वाली फैमिली तो है ही, पर साथ में अगर वो लोग भी होते, तो यहाँ पे जो खुशी है ना, कहते हैं ना जगह से खुशी नहीं होती, खुशी अपनों से होती है। तो अगर वो यहाँ होते तो शायद इस जगह की खूबसूरती और बढ़ जाती। तो आई मिस यू, आई मिस एवरीबडी इन इंडिया। तो होपफुली जल्दी शायद मैं उन लोगों से मिल पाऊँ, मे बी नेक्स्ट ईयर, एक बार कोविड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं अपनी फैमिली से, ब्यूटीफुल फैमिली से ज़रूर मिलूंगी, और आप सबको भी मिलवाऊंगी, अपनी मम्मा से,
मेरी मम्मा प्रिंसिपल है, उनका स्कूल है अपना, मेरा भाई उस स्कूल का डायरेक्टर है, पर इतने समझदार हैं वो, इतनी अच्छी है ना, मैं आपको अपनी फैमिली से सब कुछ ठीक रहा तो ज़रूर मिल पाऊँ। तो ये एंट्रेंस है टावर ब्रिज की, जब आप ऊपर की तरफ जा, आप यहाँ सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते हो टावर ब्रिज की तरफ। मैं आपको टावर ब्रिज से जुड़े कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि ये जो टावर ब्रिज है ये स्टार्ट हुआ था बनना 1886 में, और ये जो कंप्लीट हुआ था ये 30 जून 1894 के आसपास ये कंप्लीट हो गया था। टोटल 8 ईयर लगे थे इसको बनने में। इसकी जो हाइट है वो 65 मीटर है और 244 मीटर ये टोटल लंबाई में है। तो कहते हैं इस पुल को बनने में ना 400 से ज़्यादा लेबर लगी थी। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये इस टावर ब्रिज का सेंटर है, और इस सेंटर से, इस ब्रिज से आप इस रिवर का और आसपास के एरिया का बहुत ही ब्यूटीफुल एक व्यू मिलता है। चलो मैं आपको अपने साथ दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एग्जैक्ट हम थेम्स के सेंटर में है, टावर ब्रिज के सेंटर में है, और एक ब्यूटीफुल व्यू। तो इस टावर ब्रिज के बारे में ये भी है कि मतलब इसमें मोस्टली 40,000 से अलग 40,000 से ज़्यादा लोग इस पुल से ट्रेवल करते हैं, और बहुत सारे थेम्स इस पुल को क्रॉस करते हुए कितने सारे शिप और क्रूज यहाँ से एवरीडे निकलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि लाइफ वापस आ गई है, इतने टाइम बाद ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर नीचे लोग क्रूज पे, बोट्स पे, यू नो ट्रेवल कर रहे हैं इस थेम्स रिवर के ऊपर। तो अब मैं इस टावर ब्रिज को क्रॉस करते हुए इसकी सेकंड साइड की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पे कहते हैं ना कि टावर ऑफ लंदन है। तो वो जो मैंने आपको कैसल दिखाया था ना वो है। यहाँ पे खड़े होके अगर आप, मैं आपको दिखाती हूँ नीचे लोग क्रूज पे जा रहे हैं, लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, अपने कहते हैं ना कि अपने ये वीकेंड को फुल ऑन इन्जॉय करते हैं। आप नीचे देखो, अभी एक बोट जा रही है, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, अब इन्होंने मुझे देखा और इन्होंने सब ने मुझे हैंड वेव किया और मैंने भी किया। तो बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, बहुत ही स्वीट लोग हैं। तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ टावर ब्रिज की अपोजिट साइड में, कहते हैं ना कि टावर ऑफ लंदन की तरफ। आप थेम्स को देख सकते हो 42 मीटर अबव से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लास वॉकवे है, जो विजिटर आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। कहते हैं ना कि जो बोट्स हैं वो जो पास बाय कर रही हैं, जो कार जा रही हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, वो आप यहाँ पे खड़े होकर इंजॉय कर सकते हो। टावर ब्रिज का जो टिकट प्राइस है वो £10 से स्टार्ट होता है, उसके बाद लोअर होता चला जाता है। तो ये जो मैं टैक्सी के पास खड़ी हूँ ये है बहुत ही एक्सपेंसिव टैक्सी, £25 के आसपास पड़ती है ये। तो जी अब हम आ गए हैं टावर, कहते हैं कि टावर ऑफ लंदन। ये वो एक ऐसा कैसल है जिसको मैं बहुत टाइम से बहुत ही क्यूरियस थी विजिट करने के लिए। वो देखो सामने शार्ट दिखेगा आपको, एक लंबी सी बिल्डिंग और उसके सामने ये है ब्यूटीफुल कैसल। इस कैसल का जो प्राइस है, टिकट प्राइस है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है 28.90 के आसपास है। मुझे नहीं पता मुझे NHS डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं इसके अंदर जाने के लिए, पर मैं ज़रूर इसमें जाऊंगी क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल जगहों पे जाना बहुत पसंद है, और यही वो जगह है जहाँ पर कोहिनूर डायमंड भी है। यहाँ पर बैठ के मैं वो फील कर रही थी कि एक तरफ इतनी मॉडर्न लाइफ जो मैं टावर ब्रिज पे देख कर आई हूँ, उसके आसपास की सराउंडिंग बिल्डिंग पर देख कर आई हूँ, और उसके बाद उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट ये कैसल, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह पर आ गई हूँ। तो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, एक तरफ बहुत ही एडवांस लाइफ देखते हो और उसके एकदम ऑपोजिट ये बहुत ही शांत ब्यूटीफुल कैसल अपने साथ बहुत सारी स्टोरीज समेटे हुए। यहाँ से आप थेम्स के ऊपर के लिए आप बोट ले सकते हो, किसी क्रूज़ को बुक करना चाहते हो तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको अलग अलग टिकट प्राइस मिलेंगे अलग अलग जोन के हिसाब से। पर मैंने आज क्रूज़ लेना ज़रूरी नहीं समझा, पर हम जाएंगे ज़रूर डेफिनेटली, पर नॉट टुडे। तो आज बस मैं इस ब्यूटी को, इस टावर ब्रिज की ब्यूटी और इस कहते ना कि
टावर ऑफ लंदन को देख के इतनी खुश हूँ, और अब मैं टायर्ड होके थक के बैठ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि जर्नी कोई भी हो, सुबह से वॉक करते 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 मेरे 10,000 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, पर यार इतना वर्थ है इस जगह पे आके। मैं कम्प्लीटली ऐसी जगहों को बहुत इंजॉय करती हूँ। ये एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ पे मैंने कहा ना बहुत ही शांति है, प्लस इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही एडवांस लाइफ का भी एक झलक ज़रूर दिखेगी। साथ में आज का ब्लॉग खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने मेरे साथ आज का ब्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा, और अगर नहीं किया है, आपको क्या देखना है, आप क्या देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और उन सभी लोगों का बहुत 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 दिल से थैंक यू है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिसने जिन लोगों ने इतना इस चैनल को सपोर्ट किया है, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हैव अ हैप्पी हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, बाय।